जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में आज का ये सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज के सत्र में आज की जो विशेषता है, यानी जो पिछले दो सत्रों में हमने ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नाड़ी और राइट साइड की पिंगला नाड़ी, इन नाड़ियों पे जो चक्र है उनके मंत्र, उनकी जो शक्ति है वो शक्ति को लेकर मंत्र और उसका क्लियरेंस ऐसे किया था। आज के सत्र में प्रथम ध्यान होने के बाद श्री माता जी की अमृतवाणी हम आत्मसात करेंगे और उसके बाद में आज के सत्र में हम मध्य नाड़ी की जो सुषुम्ना नाड़ी है उस पर जो 7 चक्र है उसके मंत्र और उसका क्लियरेंस करने वाले हैं। तो अभी जैसे जैसे हम ध्यान करने शुरू कर दिया है और जैसे जैसे संतुलन अवस्था यानि मध्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं, यानि वर्तमान अवस्था यानी ही मध्य नाड़ी की सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित होना, और इस पर स्थित होने के लिए आज का सत्र बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का सत्र होने के बाद आपको निश्चित ही महसूस होगा कि जो ईड़ा यानी लेफ्ट साइड और पिंगला यानी राइट साइड, और ये दोनों के कारण जो हमेशा हमारे यस्टरडे और टुमारो के विचार, कल या यस्टरडे और टुमारो के जो विचार हमेशा हमें तकलीफ देते हैं, आज हम बराबर बीचों बीच यानी वर्तमान में आ जाएंगे। तो चलिए प्रथम हम ध्यान को आरंभ करते हैं। आज अपने साथ सहयोगिनी दाई मिसेस सपना शिंदे यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उन्हें विनंती करता हूँ कि वो ध्यान को आरंभ करें। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी, सभी का फिर से स्वागत है। दोनों हाथ सामान्य अवस्था में रख लेंगे, अपना चित्त दोनों हाथों की हथेलियों और सहस्त्रार पे रखेंगे। अगर आप चेयर पे बैठना चाहते हैं तो चेयर पे बैठ सकते हैं, या फिर आप जमीन पे बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने आप को स्थिर कर लें, शांत कर लें। चित्त दोनों हाथों की हथेली और सहस्त्रार पे रखते हैं। हाथों पे बहते हुए चैतन्य की ओर ध्यान देंगे और कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे और दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज के सामूहिक ध्यान में हम सभी को निर्विचारिता प्राप्त हो, यही आपके श्री चरणों में नम्र प्रार्थना। दोनों हाथ गोदी में रखते हैं। अब हम तीन महामंत्र और गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला व्ययी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला व्ययी नमो नमः। ॐ त्वमे साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति
सरस्वती माता जी श्री निर्मला देव्याय नमो नमः। चित्त को शस्त्रार्थ पे रखते हुए अब हम संतुलन की ओर बढ़ते हैं। अपना राइट हैंड जमीन पे रखेंगे। यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी दोष है उसे आप इस भूमाते में निकाल लीजिए। हमारे अंदर जो भी बाधा है वो इस भूमाते में निकाल लीजिए। हमारी इच्छा शक्ति जागृत करिए। धीरे से हाथ को गोदी में लेते हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ लेंगे। यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, हमारी पिंगला नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। उसमें जो भी दोष है उसे आकाश तत्व द्वारा निकाल लीजिए। हमारी कार्य शक्ति जागृत कर दीजिए। धीरे से हाथ को गोदी में लेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों पे चित्त रखेंगे और सुषुम्ना नाड़ी पे अपना चित्त रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, हमारा सुषुम्ना मार्ग खोल दीजिए, हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अब हम इस सुषुम्ना नाड़ी पे चित्त रखते हुए ध्यान करेंगे। मूलाधार चक्र पे चित्त रखते हैं और हथेलियों में दोनों कलाई। चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पे लेंगे। हथेली पे पहली उंगली, दोनों स्वाधिष्ठान पे चित्त रखेंगे। धीरे से चित्त को नाभि चक्र पे लेते हैं। अपनी बीच की उंगली, चित्त को नाभि के चारों ओर बहुसागर पे घुमाएंगे और हाथों में दोनों सहस्त्रार के आसपास
गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चित्त को अनाहत चक्र पे रखते हैं, हाथों में फिफ्थ नंबर की उंगली, लिटिल फिंगर, धीरे से चित्त को विशुद्धि चक्र पे लेके जाएंगे, हाथों में सेकेंड नंबर की उंगली, इंडेक्स फिंगर, चित्त आज्ञा चक्र पे, फोर्थ नंबर की उंगली पे अपना चित्त रखेंगे, रिंग फिंगर पे, चित्त सहस्त्रार तालु भाग पे रखते हैं और हाथों में दोनों हाथों की हथेलियों के मध्य में धीरे से अपना राइट हैंड सहस्त्रार पे लेके जाते हैं, सेवन टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए, श्री माता जी हमें आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए, धीरे से हाथ को गोदी में लेंगे, कुछ क्षण इसी अवस्था में ध्यान करेंगे, चित्त दोनों हाथों की हथेली और सहस्त्रार पे, और अब हम श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। के अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, और इस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है। वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि पांचो पच्चीसो पकड़ बुलाऊ एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी को इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया। ये एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसी चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये छठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईड़ा और पिंगला है, और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, अपनी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से,
तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरीके से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं किए, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में, लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देते हैं। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे सीख सकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती है रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं, ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शॉक से, एक आध शॉक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है, वो सारे आपके लेफ्ट साइड का। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग है कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से पर्स हो, किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्ज, माने आलसी आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग है, जैसे एलर्जी आ जाए आपके अंदर में, या आपके एंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग है। पर सबसे जो बुरी बात है, तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है, और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है, उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए, आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठे,
जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा, इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भी पल सकते। ये दस स्वाभिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि ये एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरा पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गया है, उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम वैद्य। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गया आपके लेफ्ट स्वाभिष्ठान। लेफ्ट स्वाभिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली बच्चे नहीं हो। लेफ्ट स्वाभिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा यहाँ कम होंगे, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हु करती है, नौकानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी के भी कोई अकल होती है, उसको खेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी यात्रा इतनी खराब है कि कर कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करे, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते, ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु, और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किए जा रहे। आपको भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करें, जो परमात्मा से मिला है वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वाभिष्ठान की बात आपने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का साथ, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है, मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती, फिर एक से एक जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो जाती है कमाल, लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते कि स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है, उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है, और सबसे तो बड़ी बात यह है हमारे अंदर जब ग्रह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय 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 बांधती है, घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए, यत्र नारायण पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां पे स्त्री को पूजा जाता है वहां पर ही देवता रमण करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की है। ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा चलती है उसकी लय, उसका टाइम, इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने, ये नहीं जानते गृह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी होता। और भी अनेक बीमारियां स्प्लीन की होती है कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्प्लीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसके गुपित
बातें हैं जो होती रहती हैं जो आपके समझ में नहीं आती, और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती है ये नहीं मालूम। सो ये केव स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए, लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके आठ रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है, लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर खानदान फैमिली के लिए होती है वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा। नहीं तो आप बाहर जा करके देखिए, दस दस हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना, हमें अपने घर हमारी फैमिली इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब यह चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते, संन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने संन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपके जो हार्ट है उसी को समान, हार्ट के ऑर्गन को देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है, जब वो अपने काम में बामशगूल बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूं, मैं तो जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करते हुए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करा के हमें संतुलन अवस्था प्रदान की और आपके इस अनमोल ऐसे अमृतवाणी से हमें जो ज्ञान दिया, इसीलिए भी हम श्री माता जी आपके ऋणी हैं। तो ये है तीन नाड़ियां और आप सभी को पता है कि ये तीन नाड़ियों पर हमारा चित्त, हमारा योग, हमारे सारे जो निर्विचारिताएं, ये इनके संतुलन पर अवलंबन है। जैसे कि ईड़ा नाड़ी जो बीता हुआ कल है उसका विचार करती है और वो कुछ प्रमाण में ठीक है, जैसे कि कल की जो हमने पढ़ाई की है वो आज याद रहनी चाहिए, और आने वाला जो कल है वो भी उसके भी विचार कुछ प्रमाण में जरूरी है। जैसे कि कल आने वाले कल में मुझे समझो गाँव जाना है तो टिकट बुकिंग करना है, बैग भरना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दो नाड़ियों में हम हमेशा ईड़ा और पिंगला के कारण भूत और भविष्य में ही हम हमारे विचार करते रहते हैं, हमारा एनर्जी लॉस भी हो जाता है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी पर रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए संतुलन तो श्री माता जी ने दिया ही है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसके आगे का, यानी जो इस मध्य नाड़ी पर, जो सुषुम्ना नाड़ी पर जो चक्र है, वो चक्र पे जो शक्ति है और उसके जो गुणधर्म है वो हमारे अंदर एस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ के हमें मंत्र और प्रार्थना और वहाँ के चक्र को क्लियरेंस करना है चैतन्य देकर। तो अभी हम एक अभी वीडियो लगाएंगे जिसमें सारे सुषुम्ना नाड़ी के मंत्र होंगे। उदाहरण तौर पर अभी जैसे कि मध्य नाड़ी है, तो अभी समझो आपको बताया गया कि मध्य नाड़ी के मध्य हृदय पर ध्यान दीजिए, है ना। तब आप बराबर इस हृदय पर हाथ भी रख सकते हैं मंत्र होने तक, होने के बाद आप इसे ऐसे चैतन्य भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम मूलाधार से लेके तालु तक, मूलाधार पर सिर्फ आप सामने से घुमाइए, लेकिन बाकी के चक्रों पर बराबर बीचों बीच आप हाथ रख सकते हैं। आज्ञा पर ऐसे भी रख सकते हैं आप, और फिर सहस्रार पर, ठीक है। और उस समय उस चक्र पर अंदर से ध्यान देने की कोशिश करें, जो भी प्रार्थना बोली जा रही है
वो आप भी हृदय से बोलिए। है तो दो ही लाइन का लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम सुषुम्ना नाड़ी के मंत्र शुरू करते हैं। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर देख के शुरू करते हैं। अब हम मध्य नाड़ी के सभी चक्रों के मंत्र कहेंगे। पहले हम सुषुम्ना नाड़ी का मंत्र कहते हैं। श्री महालक्ष्मी साक्षात, श्री महागणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे मध्य सुषुम्ना नाड़ी पर श्री महाकाली जी, महालक्ष्मी जी की शक्ति और श्री गणेश जी की शक्ति जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण वर्तमान में यानी इस मध्य नाड़ी में सुषुम्ना पर हमें प्रस्थापित करें। मध्य मूलाधार चक्र श्री गणेश साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमारे मध्य मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी की शक्ति जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें अबोध और हमारे अंदर मांगल्य प्रदान करें। आधार श्री कुंडलिनी साक्षात श्री गौरी माता साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी साक्षात् श्री गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमारी कुंडलिनी शक्ति पूर्णतया जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी होकर मध्य नाड़ी से बहकर सभी चक्रों को संतुलन देते हुए ब्रह्मरंध्र तक आ जाए और हमारा योग घटित करे। मध्य स्वाधिष्ठान श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदि माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे मध्य स्वाधिष्ठान चक्र पर श्री ब्रह्मदेव जी की शक्ति और श्री सरस्वती माता की शक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए। श्री माता जी हमें सहजयोग की शुद्ध विद्या, सहजयोग का कुंडलिनी शास्त्र का ज्ञान, चैतन्य की अनुभूति का ज्ञान हमें प्रदान करें। मध्य नाभि श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे मध्य नाभि चक्र पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की शक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए। श्री माता जी हमें पूर्ण समाधानी बनाइए और सदैव संतुलन में रखे। साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे मध्य भव सागर चक्र पर श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी की शक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी आपने हमें जागृति दी, साक्षात्कार दिया, इसीलिए श्री माता जी आप ही हमारे गुरु है। आपके साथ साथ श्री माता जी हमें स्वयं का गुरु भी बनाइए। मध्य अनाहत श्री जगदम्बा साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे मध्य अनाहत चक्र पर श्री जगदम्बा देवी की शक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्भय बनाइए। हमारे अंदर का जो डर है वो पूर्ण नष्ट हो जाए।
मध्य विशुद्धि श्री राधा कृष्ण साक्षात त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजि श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे मध्य विशुद्धि चक्र पर श्री राधा कृष्ण जी की शक्ति पूर्णतया प्रस्थापित हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी हमें पूर्ण साक्षी तत्व बनाइए। हंस चक्र श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजि श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे हंस चक्र को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। हमारे हंस चक्र पर हमें सत असत विवेक बुद्धि प्रदान कीजिए। आज्ञा चक्र श्री जीसस मेरी माता साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजि श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे आज्ञा चक्र पर श्री जीसस जी की शक्ति जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी हमें पूर्णतया क्षमाशील बनाइए, त्यागी बनाइए। श्री मात्रेय साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजि श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा से हमारे आज्ञा चक्र पर स्थित तीनों शक्तियों का जो संगम हो रहा है वो तीनों शक्ति हमारे अंदर जागृत होकर आज्ञा चक्र का भेदन करके ब्रह्मरंध्र से सहस्रार से परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाए। श्री विराट साक्षात् श्री विराटांगना साक्षात् ॐ
स्वयमेव साक्षात् श्री विराट साक्षात् श्री विराटांगना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे अंदर की श्री विराट की शक्ति और श्री विराटांगना जिनकी शक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए। श्री माता जी, हमें विराट का अंग प्रत्यंग बनाए। श्री एकादश रुद्र साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे अंदर श्री एकादश रुद्र शक्ति पूर्णतया जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी, इन रुद्र शक्तियों के द्वारा इस कलयुग में हम सभी साधकों का रक्षण करें। व्याकाक्य चक्र श्री महागणेश साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भ साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बैक आज्ञा चक्र पर श्री महागणेश जी की शक्ति, महाकाल भैरवनाथ जी की शक्ति और श्री महाहिरण्यगर्भ जी की शक्ति जागृत हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण क्षमा कर दीजिए। सहस्रार तीसरा महामंत्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्रार स्वामिनी हो, मोक्ष प्रदायिनी हो। परम पूज्य श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ हो जाए। इसी अवस्था में अब हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे और संतुलित स्थिति का अनुभव करेंगे।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें और हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी माता को भी प्रणाम करें। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने हमें संतुलन अवस्था की अनुभूति प्रदान की, हमारा योग प्रस्थापित किया, इसीलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। दोनों हाथ धीरे धीरे गोद में रखें और आंख खोलिए। तो ये है सुषुम्ना नाड़ी पर रहने के बाद आने वाली अवस्था, जो श्री माता जी भी चाहती है और सारे योगी लोग इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करते थे। परम पूज्य श्री माता जी ने ये एक बहुत ऐसा तरीका, सिंपल सा तरीका पूरे विश्व के लिए उपलब्ध करके दिया है। और एक निश्चय करें कि आज जो हमें मिला है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों को भी ये योग, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए मदद करें। तो वापिस एक बार परम पूज्य श्री माता जी के बहुत बहुत ऋणी है। अभी हम अगले बार मिलते हैं, अगली बार जो विषय है उसके बारे में अब हम स्क्रीन पर देखते हैं। लीवर डाइट, ये अगले सप्ताह का विषय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा विषय है, क्योंकि संतुलन करने के बावजूद भी जो हमारा चित्त है, जो वापस धीरे धीरे गड़बड़ करना शुरू कर देता है, असंतुलित होना शुरू हो जाता है, या फिर ध्यान लगने में थोड़ा सा हमें जो अवसर लगता है, ये केवल असंतुलित चित्त के कारण। क्योंकि आप इच्छा पकड़ के संतुलन करके कुंडलिनी माँ भी आपको मदद करती है, लेकिन जो चित्त है वो जगह पे नहीं होगा और वो कहीं भी घूमता होगा तो ये सब व्यर्थ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ये जो हमारा चित्त है, उसका जो स्थान है, ये राइट स्वाधिष्ठान है, और वो राइट स्वाधिष्ठान के अंडर जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसा लीवर नाम का ऑर्गन है, उसको आप थोड़ा ठीक करोगे तो शारीरिक लेवल पर और आध्यात्मिक स्तर पर आपको संतुलन प्राप्त होता है, चित्त की शांति प्राप्त होती है। तो ये शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान धारणा के साथ साथ जो आहार एक सहयोगी ने लेना चाहिए, उसके बारे में ये सारी जानकारी हम अगले सत्र में देने वाले हैं। तो आज के लिए यही पर हम रुकते हैं, मिलते हैं अगले शनिवार लीवर डाइट सेशन के लिए। तब तक सभी को जय श्री माता जी। सभी लोग श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलिनी उठाकर बंधन ले। जय श्री